Uh, uh, पहली बात तो ये कि ये याद रखिएगा इवन यूरोपियन फिलोसफर्स वेरी क्लियरली आप किसी भी इमैनुअल कांट को भी देखें आप नीचे को देखें uh, देखेंकी को पढ़ें हाउ इज ही क्रिएटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हीरो याद रखिएगा साइकोलॉजी समझ चुकी है इस बात को कि बच्चे की जो शुरू की केमिस्ट्री होती है ना वो बड़ी उम्र में आप उधर ही रिग्रेस करते हैं ना कि उधर ही गिरते आके और बचपन में हर लड़की और हर लड़का छोटी बच्ची और छोटा बच्चा एक ही चीज पे कॉमन जो है ना वो वो तवाफ करता है दुनिया में किसी भी कल्चर में चले जाए ये कॉमनैलिटी है कि ही इन्वेंट्स अ हीरो बच्चे हीरो इन्वेंट करते होते अभी आपने नोटिस किया वो छोटा सा आप उसको कोई एक फिगर फिगरीन देंगे ना कोई भी तो उसके गिर्द वो खुद अपनी स्टोरी बनाएगा और आप देखेंगे वो खेल रहा होगा उसकी स्टोरी में जिसमें वो सेंट्रल फिगर उसने हाथ में पकड़ा होगा और वो वो पस्पा कर रहा होगा उस फोर्स को कि जो उसके खिलाफ आ रही है उसके लिए कार्टून्स देखने की जरूरत नहीं है ये टीवी से पहले भी बच्चे हीरो बनाते थे जब टीवी नहीं याद हुआ था और तो टीवी ने खाली टीवी ने खाली उसी चीज को रीप्ले किया है और बच्चे जरा सा ज्यादा हैं जो वो करते हैं। नहीं तो से अपने हीरो के गाफ करता याद रखिएगा सो यू नीड टू नो एज ए मदर एंड एज अ फादर कि आपके बच्चे का हीरो की skin attributes पे क्रिएट किया जा रहा है अगर उन attributes में करिज नहीं है तो बच्चे में करिज नहीं आएगी अगर उस एट्रीब्यूट के अंदर कुछ ऐसे और कुछ ऐसे डाल दिए हैं उसने उस बच्चे में कि जिसमें करीज कोई ताल्लुक नहीं है तो वो नीयत से नहीं जाएगा करीज से दूर उसके पास टाइम ही नहीं है उसने देखा ही नहीं है उसको बताया नहीं गया था सो यू नीड टू क्रिएट एट्रिब्यूट ऑफ इनसाइड इन हीरो दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट होली यू विल क्रिएट दीरो आई होप सो इतना हैंडल होना चाहिए कि हमें हीरो क्रिएट करना अब होता क्या है जब मुसलमान बच्चा सीरा पढ़ता है तो खुद हीरो क्रिएट हो जाता है हमारा मुसलमान इस वक्त बच्चे सीरा पे ट्रेन नहीं हो, you know, हो, हो आजकल बच्चों का कौन सा टीवी ज्यादा चल रहे हैं। तो उसमें भी अब आपने नोटिस किया होगा दस साल, साल, नहीं, दस साल पहले तक विलन और हीरो के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही कार्टून बनाए जाते थे अब आप नोटिस करेंगे मैंने एक जर्नल पढ़ा है जिसमें उन्होंने ये कवर किया हुआ है अब मुझे वो कार्टून नहीं पता क्योंकि वो यूरोपियन जर्नल था तो यूरोप के तो टीवी चैनल भी नहीं मैंने आते इधर तो उन्होंने ये देखा है कि अब वो विलन हीरो फाइट से निकल के ना उन्होंने या तो ये जानते बूझते किए या फिर उन्होंने इनरेलीवेंट ऑफ द इवल और गुड के कार्टून बनाए बिकॉज उस पर पोलिटिकल इनकरेक्टनेस आती थी तो क्योंकि वो विलन या तो काला कर देंगे तो ब्लैक कम्युनिटी को मसला हो जाएगा छोटा कर देंगे लड़की कर देंगे तो जेंडर के मसले आ जाएंगे लड़का कर देंगे तो दूसरी तरह से मसले आ देंगे I mean, really, तो उन्होंने कहा बाहर में जाओ या यालन ऐसा फिल्म बनाओ जिसमें कोई विलन ही ना हो ओके okay? सो so, अब आप नोटिस करेंगे कार्टून में अब हीरो विलन स्टोरी नहीं होती है अब अजीब गरीब किस्म की अजीब गरीब में क्यों कह रहा हूं ऐसा ना लगे कि मैं कोई

जी सर मैं वोमेन वाले में हूँ मैंने आपका वोमेन का सेशन लिया था ना तो जिस भी है मैं आप किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में है ना यस yes no? yes, और नो यस ओके यस आप किस मुल्क में कैनेडा ओके सो मारिया आपने क्या करना है आपने जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में उसके एडमिन को आपने रिमाइंडर कराते रहना है आई नीड यू टू वर्क विद मी ऑन दिस वन लेट मी प्रोड्यूस ए सीरीज ऑफ थ्री और फोर वीडियोस ऑन हाउ अ मदर शुड लुक द कार्टून्स

अगर कर ही रहे हैं तो पता तो चले कि ऐसे देख तो सही ना देखें तो सही ठीक है क्योंकि साइकोलॉजी तो फिर भी समझनी चाहिए चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी भी क्लियर हो जाएगी अम्मियों की अबू की साइकोलॉजी क्योंकि इसमें बड़ा हार्ड लेसन मैं दूंगा इंशाल्लाह कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है सो व्हेन आई लुक एट अ कार्टून आई हैव सीन थ्री कार्टून्स कार्टून वो मुझे वो वीडियोस मिली थी कि ये कार्टून्स देखने इसको साइको एनालिटिकल रिव्यू देना है सो आई वेंट थ्रू दैट

इस वक्त मैंने नहीं नोटिस की 2017-18 में मैंने मूवी रिव्यूज जो टॉप टेन चल रही थी ना वो मैंने खुद आई मीन आई वेंट थ्रू लुकिंग एट साल वो भी एक प्रोजेक्ट ही था कि ये कैसे साइकोलॉजी क्रिएट और अभी मिलीनियल की uh, आर्किटाइप्स किया आर्खेटाइप बोलते तो मैंने जब वो दस फिल्में देखी जो उस साल की बेस्ट मूवीज थी ठीक है जो सबसे ज्यादा जो ऑस्कर विनर नहीं थी उस साल जिनकी सबसे ज्यादा सेल थी तो मैंने वो देखनी थी और मैंने एक आ, आर्टिकल लिखना था तो वो मैंने 10 फिल्में देख तो ली मगर वो पब्लिश आप मतलब वो उसकी कोई वीडियो नहीं है तो वो एक आर्टिकल मैंने लिख दिया था मैं उसी प्रोजेक्ट को मारिया के साथ में बच्चों के लिए कार्टून्स के साथ करना चाह रहा हूं क्योंकि उसमें हमने देखा कि जो

अभी जो कार्टून चल रहे हैं मुझे तो नहीं पता मगर आपने बस ये देखना है कि इस वक्त की जो जनरेशन है जो छोटी है दस साल से कम की है उनको और जो आ, मिलीनियल्स हैं उनको कंपेयर नहीं करना उनके उनके केमिक, केमिकल मार्क और शिफ्ट हो चुके हुए हैं उनके थ्रेस ही डिफरेंट हैं और आ, इस वक्त के जो बच्चे ना इनको किसी और तरीके से कार्टून ट्रेन कर रहे हैं अम्मी नहीं कर रही कार्टून कर रहे हैं तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि मुस्लिम रिक्वायरमेंट क्या है इस्लाम क्या चाह रहा होता है तो वही बात है करेज की ट्रेनिंग तो के बगैर हो नहीं सकती करेज के विलन के बगैर करेज नहीं हो सकती फियर के बगैर करेज हो नहीं सकती फियर किस चीज का होता है लॉस ऑफ एनी रिगार्डिंग लाइफ और रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी और लव्ड वंस और वर एवर लॉस ऑफ स्टेक्स होने जरूरी है तो अब आप अगर स्टेक्स निकाल देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चा फिर एंकर uh, नहीं कर सकता उस करिज को एंकर कैसे करेगा एंकर करने के लिए कोई यू नो अकॉम्पलिशमेंट चाहिए टू टू और और यू नो इरेज दैट ऑफ तो अगर कोई ईवल ही नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी करेंगे टू एक्चुअली डू समजी लेवल तो एग्रेशन में काउंट होगा तो अगर मेजर नहीं भी होगी तो माइक्रो एग्रेशन आ रही होगी और उसके खिलाफ पॉलिसी बन चुकी हैं तो कार्टून में भी इसी तरीके से डालते हैं ना जो लेफ्ट साइड ऑफ यूरोप है वो इतनी टिल्ट कर गई है उनको या तो पता है तो जान कर रहे हैं और या तो नहीं पता तो बहुत बड़ी बेवकूफी में उन्होंने पूरी पूरी इंसानियत के फैब्रिक उड़ा के रख देने कि अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ इगल निकाल दिया है बच्चों के अंदर से To understand what evil is, तो दुनिया से तो नहीं निकल सकता नावल तो ने बता दिया तो चलेगी शैतान आदम और हवाम की कहानी का वैल्यू तीन सौ चार सौ साल बाद जब शैतान अपनी हस्ती को इनविजल करेगा इन साइड द प्लान इनहेबिटेंट्स माइंड ये नहीं ऐसे कुछ नहीं आप ही ईवल है और आप ही यू you नो know, खुद ही इन्वेंट करते हैं आप ईवल इस शैतान की सबसे बड़ी चाल तो यही है ना कि ये कंफ्यूजन डाल देंगे शैतान है या नहीं है सो so, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जो कि हमने समझना है और ये कॉन्सेप्ट अगर बच्चों, बच्चों की माओ को पता चल जाए ना तो नाइनटी नाइन परसेंट काम हो जाएगा ओके okay? मैं इस पे दस घंटे भी बात ना तब भी मैं आपको बता रहा हूँ इंसाफ नहीं कर सकूंगा मैं आपको इसके लिए एक प्रोफेशनल कोर्स बनाना जरूरी है और उसके लिए मैं आपको ताकि ज्यादा ज्यादा कम देर में ज्यादा समझा सकूं वरना अभी आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहा हूं इस वक्त आपके कि आपने देखना है कि ईवल कितनी कितनी बड़ी खूबसूरत चीज है टू ट्रेन आर किड्स तो ने कहा ना कि अरब का कोई बच्चा नहीं अरब का कोई बच्चा हमारे पास नहीं हो जिसको हमने मगाजी पे ना ट्रेन कर दिया के हर बच्चे को मगाजी पे ट्रेन मगाजी मतलब गजबात पे अल्लाह के नबी नबीलाम के गजबात पे गजवा कहते हैं नबीलाम ने खुद फाइट की हो और उसको जिस तरीके से डिटेलिंग की जाती थी मैंने एक अरब मेरे अरब के टीचर थे जब उन्होंने फतेह मक्का की कहानी सुनाई थी ना

टीचर ने कमरे के अंदर जो लाइट वेल लिट रूम था ना उसने कैंडल्स लेके आया हुआ था वो और उसने डेस्क uh, के ऊपर ना अलग अलग कैंडल्स अपने डेस्क के ऊपर लगा दी और लाइट ऑफ कर दी और उसने फिर हर स्टूडेंट से कहा कि दस बारह स्टूडेंट से कहा के अलग अलग जगहों पर बैठे कैंडल ऑन कर लो एंड लाइक वर इजी जान बन जो भी जान बान जो भी कॉन्सर्ट हो रहा है बट नो ही न्यू वर यूज डूइंग He was creating the aura और उस बंदे ने फते मक्का की कहानी शुरू की बगैर बताया कि आज इसने मक्का सुनानी हमें सीरा का एक चैप्टर था जिसमें उसने फतेह मक्का शुरू करनी थी और फिर उस भाई साहब ने जो हमारे दिमागों के साथ गेम किए ना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ उस भाई साहब ने अरे मक्का को एक नैरेटिव बिटवीन टू पीपल डायलॉग डायलॉग के शुरू किया कि एक बंदे के दूसरे बंदे दूसरे से क्या चल रहा है और वहां से उसने फतेह मक्का की कहानी शुरू की और जब वक्त आया ना कि इस्लाम ने अलाओ जलाने शुरू किए हैं फतेह मक्का आपको पता है ना आप सबने पढ़ी है सीधा जिसने भी पढ़ी है उसको पता है मैं क्या कह रहा हूं तो फवाज ने जमीन पे अपनी आर्मी से कहा कि फैल जाओ और अला, अलाओ आग का अलाओ जलाओ क्योंकि अबू सुफियान द टॉप ऑफ दिटल हिल और उसने सर्वे के लिए एक टीम भेजी थी और खुद भी आया था कि मैं देखूं तो सही मुसलमानों की कितनी फोर्स आई है तो ने शाम तक का वेट किया था और कहा था कि हम रात को आ, इन लोगों को दिन को पता चल जाएगा हम कितने हैं तो वी हैव हाँ टू तो शो दम वी हैव हाँ टू तो इंटीमिडेट दम सो फैला अपनी फौज को नबी इस्लाम ने और सबसे कहा कि आग का अलाव जलाओ और आग के अलाव के पास ना बैठना दूर बैठना तो so, उबू सुफियान जब पहाड़ी ऊपर गया ना तो ही लोग पूरे के पूरे, पूरे मैदान में मुसलमान भी मुसलमान फैले हुए हालांकि उसको तो नहीं नजर आता ही टू उसको आग नजर आ, आ रहे थे अब इस दौरान तक यू नीड टू टू अंडरस्टैंड ही जस्ट अस फील दैट लिटल फ्लेम ही अस टू सी के रात को क्या समा होता है उसने लाइट ऑफ की हुई थी और बयान करा था वो और जिस तरीके से उस बंदे ने वो वॉर क्राई क्रिएट की थी ना कि जब मुसलमान एंटर हो रहे हैं और ये वाद लड़ाई है जिसमें लड़ाई असल में नहीं हुई हाँ के बंदे मरे जो कहते हैं ना कोई बंदा नहीं मरा उसको भी बता दू सत्रह बंदे मारे हैं मुसलमानों ने चार को तो काबे के खिलाफ है। है? So, में जिसमें के मेजर घमसान का रन नहीं पड़ा उसको भी उसने इस तरीके से क्रिएट किया था दैट एवरी लिटिल बॉय इन दैट रूम ऑल क्राइंग जब उसने कहा ना कि जो दो टीलों के बीच में से प्रॉफेलम घोड़े पे आए हैं और नबी इसलम ने उस वक्त ऐलान किया कि वॉर अब शुरू करो हालांकि तो 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 मोटिवेट करते हैं आप सोल्जर्स को वॉर किराय का मतलब है ना वो नाराज जो कि आपने नबी नबीलाम हर, हर गजबे में एक खास वॉर कराए बताते थे साहबा को कि ये पढ़ो सो वेन आई वेंट टू दिस मोमेंट कि किस तरीके से स्टोरी क्रिएट की जाती है और किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ विलन तो मुझे साहबा के नाम नहीं याद पड़ता है मका के उस दिन आई स्वेट यू मुझे एक एक काफर का नाम याद है जो उसने बताया था मेरे टीचर ने क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट करा था विलन को कि क्या किया था इस माँ ने क्यों उसको ताली बबी तालीब ने खींच के उतारा था खिलाफ काबा से कि ये चढ़ी भी होगी छुपने के लिए और क्योंकि हरम में जागना तो मना है ना उसको मार नहीं सकते ये रूल है और नबी इस्लाम ने कहा था हरम क्या ये अगर खिलाफ काबा के ऊपर चिपक हुई हो ना तो उसको उतार के मारो इनको कत्ल करो ठीक है तो ये इनको पता था हरम में एंटर हो गए तो मुसलमान नहीं मारेंगे और हरम क्या काबे पे चढ़ गए काबे से उतारा इसको चारों को ठीक है सो कैसे इन्होंने क्या किया था he, he तो कि ही ही ऑल द क्योंकि लड़ाई तो हुई नहीं थी मैं आपको ऐसे गजबात जब अरब सुनाता है ना उनकी स्टोरी टेलिंग ऐसी डिटेलिंग करते हैं ना वो और कितनी देर होती है आधा घंटा 45 मिनट एक घंटा गजा पूरा कवर कर रहा होता है आप सोचें अम्मी के पास तो सारी उम्र होती है यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ विलन ये वो हॉलीवुड वाले आसानी से समझ गए हैं अम्मियों को समझ नहीं आ रही हॉलीवुड वाले टीन को और तीस तीस साल के गबरू जवान औरतें और मर्दों को सिनेमा बुला बुला के विलन एक्सप्लेन कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि हीरो की अचीवमेंट दिखानी है हीरो की अचीवमेंट में हीरो के एट्रीब्यूट नहीं दिखाए जाते याद रखिएगा हीरो की अचीवमेंट में विलन के एट्रीब्यूट दिखाते हैं क्योंकि उसको उसको करना होता है कभी आपने सोचा कि कितने फुट का बंदा क्या नाम था आपका मारिया।, मारिया मारिया आप सोचे कितने फुट का बंदा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा कभी किसी ने पूछा है कि उसकी हाइट क्या थी नहीं हमेशा माउंट एवरेस्ट की हाइट बताते हैं ना हम जी सर वो फुट का समिट जो है वो पहाड़ वो सर कर गया कौन मैटर उसकी अपनी हाइट क्या थी असली मसला विलन का है विलन कितनी बड़ी चीज है उसको काउकर करना मकसद होता है सो इट्स सच सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि हमें समझ नहीं रहा हम हीरो के ऊपर मेकअप कर रहे होते हैं बैठ के हीरो हीरोइन का जो भी अम्मी अब कहानी सुनाते हैं हीरो का मेकअप करना शुरू कर देते हैं और विलन का मेकअप करें आप ताकि आपको पता चले किस तरीके से हीरो की अचीवमेंट आएगी जैसे आप विलन का मेकअप करेंगे फियर भी बड़ेगा। फियर भी बढ़ेगा बढ़ेगा तो उसके कॉन्क्वेस्ट का मजा ही कोई और जिस चीज में फियर ही नहीं है उसका कॉन्क्वेस्ट क्या है देर इज नो करेज विदाउट फियर फियर होगा तो करी जाएगी सो so, ये स्टोरी टेलिंग किस तरीके से करनी है किस तरीके से आपने समझाना है बच्चों को आपको मैंने क्यों इतनी लंबी बात की है आप जरा टीवी पे आप जरा एक प्रोफेसर की तरह देखेंगे टीवी पे देख क्या रही हैं आप और गौर से दस मिनट बीस मिनट देखा करें बच्चे को क्या दिखा रहे हैं लोग विलन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं करेंगे ही नहीं आप आपको पता मैं आपको बता रहा हूं आप तो इन्होंने कर ही नहीं सकते वो विलन पोलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा वो कार्टून ही बैन हो जाएगा केस हो जाएगा उनके ऊपर तो इट्स क्या है, because kids are exposed. अगर वो खुद भी नहीं ना दिखा रहे टीवी बट देवन देर होम स्कूल बट बच्चे, right? बच्चे आगे स्टोरिया सुनाते हैं और इवन द बुक्स जो है लाइब्रेरी में वो भरी हुई है लव स्टोरी से आई वाज जस्ट क्यूरियस लाइक किस किस्म के बच्चों के जो दिमाग में इंफॉर्मेशन जा रही है उसको मैं कैसे दबाऊं कि मेरी जो है वो जो है उस इंफॉर्मेशन से आई होप yeah, आपको जवाब के बाद इतना सर, एक मिल गया कि बिल्कुल किस तरीके से आपने अपने बच्चे की जहन को करेज के लिए नर्चर करना है फियर को अंडरस्टैंड करें फियर इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट इमोशन इमोशन उसको हम ना कि के भाग या निकल इधर से लेफ्ट राइट हो जाए नो नो फ़ियर की ट्रेनिंग बच्चे को देनी है ये करेज हम ट्रेनिंग ही दे देते दे हैं कि फियर फे, को फेस ही ना करो या ऐसी चीज को फेस ही ना करो जिसमें कोई ईवल या यू नो खतरा है उसमें so, बच्चों को फियर फेस करवाने की ट्रेनिंग हुई का नाम करे